हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमें ISBT हम पहुंचे थे। ISBT का मैंने आपको रास्ता दिखाया था। पीछे जो आप मेरे ओवरब्रिज देख रहे हैं, ओवरब्रिज से हम लोग नहीं आए थे क्योंकि ओवरब्रिज वाला रास्ता जो है वो ISBT पे नहीं पहुंचता है। तो ओवरब्रिज आप देख सकते हैं, आपके आते हुए रास्ते में ओवरब्रिज पड़ेगा, तो वहाँ से आप ओवरब्रिज से भी आ सकते हैं। अभी हम सीधे चलेंगे राजपुर रोड पर। सीधे आपका जो है वो राजपुर रोड है, जहाँ पर आपका घंटाघर भी पड़ेगा। वहाँ पे आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी घूमने की। वहाँ पे तपकेश्वर मंदिर है और भी काफ़ी वहाँ पे जगह है, चिड़ियाघर है, तो वहाँ पे सारी मैं जगह आपको दिखाऊंगा। अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है शिमला बाईपास रोड पे। मतलब अभी नहीं जाएंगे वहाँ पे, शाम में जाएंगे क्योंकि मौसिया घर है तो उधर भी जाना ज़रूरी है, वहीं पर हम लोग रुकेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे सीधे रोड पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड लाइट आपको दिख रही है। सीधे अभी हमें वहाँ पर जाना है, वो पड़ेगी आपकी राजपुर रोड। तो चलते हैं अब हम इस तरह। तो दोस्तों, जैसे ही आपने देखा कि हमने यहाँ पे चलना शुरू किया, तो यहाँ पे काफ़ी हमें मार्केट का रास्ता दिख रहा है। रास्ते में काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, मैं वो सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, एक मार्केट जो होता है ना, वो सब चीज़ें कवर करता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए कवर की हुई है। मैक्सिमम चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि आपके लेफ्ट साइड में ढाबा भी है, स्टॉल भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, ऊपर आप ग्रीन बोर्ड देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें कितनी डिस्टेंस पे हैं, वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। और जब आप सड़क पे चलते हैं ना, तो देखिए सड़क पे ये चीज़ तो मिलती ही है, जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, जाम में भी हमें लगना हम लगे। और उसके बाद काफ़ी जगह हमने चीज़ें देखी, तो मार्केट का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सीधे हम चलते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि सामने से कोई एकदम निकल गया तो स्कूटी हल्की भी करनी पड़ी। कई बार ऐसा हुआ कि चीज़ें देख के करनी पड़ी। उसके बाद जो ये वाली रोड थी, इस रोड पे हम लेफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट होके हमें सीधे चलना है। सीधे हम चलेंगे तो वहीं पे आगे टपकेश्वर मंदिर का रास्ता भी हमें दिखाई दे जाएगा। और इस रोड से भी हम सीधे चल रहे हैं। मार्केट का एरिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस मार्केट के एरिया में चल रहा हूँ। और काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। मारुति सुजुकी का भी देखिए एक शोरूम यहाँ पे बना हुआ था लेफ़्ट साइड में हमारे। उसके अलावा मार्केट में इतनी चीज़ें देखिए, ठेले वाले भी लगे हुए हैं और सुबह का टाइम है। इसके अलावा नेक्सा का शोरूम है। उसके अलावा और चीज़ें भी हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में ये चीज़ें भी चल रही हैं। इस रोड पे सीधे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहाड़ों की दुनिया के बहुत पास पहुंच रहा हूँ। सामने मुझे बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और सामने की दुनिया तो और ही अलग है। मतलब सामने जब आपको अपने पहाड़ दिखाई देने लगते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप पहाड़ों की वादियों में पहुँच गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई एरोप्लेन चला रहा हूँ और मेरा एरोप्लेन बस टेक ऑफ हो गए, सीधा पहाड़ों पर ही लैंड होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए कितने साइन बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। हम है ना, बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कहाँ पे जाना है कहाँ पे आना है। देखिए फिर से मैं जाम में फंस गया हूँ। साइड में से निकालनी पड़ेगी स्कूटी क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे रहूँगा तो बिल्कुल ही पीछे रह जाऊँगा और आगे जा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए बहुत जगह है। देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें दिखाई हुई है। मालसी डियर पार्क इधर है, मसूरी इधर है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको किसी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। और वाह, देखिए क्या बादल दिख रहे हैं। वाह, बादल अगर ऐसे दिख जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि आप बादलों में ही कूद जाएँ और बादलों में तो सही में यार कूदने का अपना ही मतलब एक मन होता है, कूद तो नहीं सकते, लेकिन बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सफ़र क्या सफ़र है, हर जगह इंडिकेशन, इतनी ग्रीनरी, मतलब इतनी ग्रीनरी शायद ही हमारे अपने शहर सहारनपुर में होगी। और ये हम धीरे धीरे टपकेश्वर मंदिर के नियर बाय पहुँच गए हैं। मैं जिस रोड से आ रहा था, मैं उस रोड से लेफ़्ट हो गया हूँ और लेफ़्ट हो गया मैं सीधे चल रहा हूँ। सीधे मुझे यहाँ पे आगे टपकेश्वर मंदिर का रास्ता दिखाई देगा। टपकेश्वर मंदिर आज मुझे पहुँचना है और मैं वहाँ तक का सफ़र आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये मैं सीधे चल रहा हूँ। रास्ता थोड़ा ख़राब सा भी हो गया है क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, ये इंटरनल रोड है। इंटरनल रोड से धीरे धीरे आगे चल के मुझे ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं जो महल जैसा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो महल है ना, ये दिखाई दे रहा है, महल नहीं है ये, ये टपकेश्वर मंदिर का रास्ता है। इस ग्रीन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि टपकेश्वर मंदिर लेफ्ट। मैं उसी लेफ्ट वाली रोड में अंदर हो गया हूँ और कार के पीछे चल रहा हूँ, इस अल्टो के पीछे चल रहा हूँ। और बस इस अल्टो को सोच रहा हूँ कि किसी तरह आगे मैं इससे पहुँच जाऊँ, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं रोड बहुत नैरो है। और आगे निकलने की अगर जल्दबाजी करूँगा तो हो सकता है कि टकराव भी हो सकता है, वो करना नहीं है क्योंकि हमें आराम से पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन पे। और मैं डेस्टिनेशन का आपको धीरे धीरे पहुँचा रहा हूँ। यहाँ से हम चल रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड है, ये वाला जो ग्रीन बोर्ड है, बिल्कुल सीधे आप शेरबाग चले जाएंगे और अगर राइट आप हो जाएंगे तो यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर है। तो मैं राइट साइड में हो गया हूँ। अभी मैं कार के पीछे वेट कर रहा हूँ कि कार आगे चले तो मैं भी चलूँ। कार चल चुकी है
और अब मैं कार के पीछे पीछे जा रहा हूँ, पीछे पीछे मैंने उसको पीछा किया। ये रोड पहले वाली रोड से और ज़्यादा नैरो हो गई, और ज़्यादा ये पतली रोड हो गई है। तो अब मैं इस रोड पर सीधे सीधे जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं ये उनकी इंटरनल रोड है, इसीलिए ये इतनी पतली रोड है। लेकिन दोस्तों तब भी कहीं ना कहीं ये एक ऐसी रोड में कन्वर्ट हो चुकी है जहाँ से आना जाना लगा रहता है लोगों का। मैंने कार को फाइनली पीछे छोड़ ही दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि बस किसी तरह मैं उससे आगे जाऊँ, और मैं अब उससे आगे चला गया हूँ। पीछे आप देख रहे हैं कुत्ते महाशय भी खड़े हुए थे। तो अभी हम सीधे सीधे जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर के बहुत ज़्यादा नियर बाय हम हैं। और आने वाला जो अब जो आगे आप देखेंगे ना, वहाँ सीधे हम टपकेश्वर मंदिर पे ही पहुँचेंगे। यहाँ से देखिए जो रास्ता है, यहाँ से भी ये रास्ता दिखाया हुआ था कि यहाँ से लेफ्ट होना है, लेफ्ट में हुआ और लेफ्ट होके तुरंत ही मैं इससे राइट हो गया क्योंकि मुझे दिख गया था टपकेश्वर मंदिर का रास्ता इधर ही है। और टपकेश्वर मंदिर के रास्ते पर सीधे 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 चल के ये जो रोड है, ये मैं फाइनल रोड पर चल रहा हूँ जिस पर टपकेश्वर मंदिर पड़ेगा। और अब ये थोड़ा सा ढलान है जो कि नीचे उतरेगा। अभी तो हम सीधे सीधे आ रहे थे तो अब हम नीचे ढलान पे उतरेंगे। ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जाम था लेकिन उसको भी मैंने क्रॉस कर लिया है। और अब सीधे सीधे आप देख रहे हैं ढलान पे, यहाँ पे मैंने स्कूटी बंद कर दी है, अब स्कूटी खुद ही चल रही है। क्योंकि क्यों फालतू में पेट्रोल लगाना जब हम ढलान पे हैं। तो मैं सीधा सीधा अब जा रहा हूँ और ये मैं आ गया हूँ टपकेश्वर मंदिर के बिल्कुल बाहर। ये देखिए आप राइट साइड में बिल्कुल मेरे, ये है टपकेश्वर मंदिर और यहाँ स्कूटी की पार्किंग है। यहाँ मैं स्कूटी पार्क करता हूँ फिर आगे बताता हूँ।